हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तीखा स्वाद तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की बहुत ही टेस्टी सी मसालेदार वाली सब्जी वो भी बिल्कुल आसान तरीके से चलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए इसको बनाने के लिए मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक चॉप किया है इसके साथ ही एक लहसुन का बंच लिया है तीन से चार हरी मिर्च ली हैं एक अदरक का छोटा टुकड़ा ले लिया है इसके साथ ही मैंने चार छोटे टमाटर लिए हैं तो देखिए इन सबको हम ग्राइंड करेंगे सिर्फ प्याज को नहीं करेंगे तो लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर को हमें बारीक ग्राइंड कर लेना है तो हम इन सबको पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक जैसा नॉर्मल ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं वैसा हमने इनको पीस लिया है देखिए इस तरीके से हमने इसकी ग्रेवी तैयार कर ली है ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार कर लिया है इसके साथ ही मैं आधा के जी कटहल ले रही हूँ कटहल को आपको काटना है अच्छे से पीसेस में हाथ में तेल लगा के की कीजिएगा जिससे बहुत ही आसानी से कट जाएगा अब चलिए सबसे पहले इसको फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए देखिए मैं चमचे के हिसाब से बताऊँ आपको ऑयल तो आपको चार से पाँच चम्मच लेना है और मैं इसके अलावा आपको बता दूँ कि आप जितना फ्राई करने में लगता है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं तो सबसे पहले इन सबको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से कटहल को इसके लिए सरसों का तेल यूज़ कीजिएगा इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कटहल में तो अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें मीडियम गैस पे आपको इसको फ्राई करना है पाँच से छः मिनट आपको करना है बाकी आप इसको देख सकते हैं जब तक ये अच्छे से मतलब कि आपका आधे से ज़्यादा पक जाए तब तक आपको इसको फ्राई करना है तो देखिए इसको अच्छे से कंटिन्यू हिलाते हुए आपको करना है नीचे लगना नहीं चाहिए और जलना भी नहीं चाहिए देखिए चार से पाँच मिनट हो गए हैं तो अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये लगभग लगभग पक चुके हैं या नहीं तो अगर ये पक गए हों तो आप इसको कर सकते हैं देखिए ये पक से गए हैं मतलब कि आपका 80 परसेंट तक पक जाने चाहिए तब आपको इसको गैस को बंद कर देना है चलिए ये फ्राई हो गए हैं निकाल लेते हैं फिर इसी सब इसी तेल में हम सब्ज़ी भी बनाएंगे अगर तेल कम लगे तो आप और ले सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो कम कर सकते हैं तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने गर्म मसाला लिया है उसे बारीक कूट लिया है अब ये बचा हुआ तेल है ये तेल जो है वो दो चम्मच के आसपास है अगर कम पड़े तो आप और ले सकते हैं उसके बाद गरम मसाला डाला है हमने और साथ ही प्याज डाले हैं बारीक कटे हुए जो हमारे प्याज थे वो मिक्स कर दिए हैं अब इन प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन प्याज को आपको जब तक पकाना है जब तक कि ब्राउन ना हो जाए थोड़े लाइट ब्राउन हो तब तक आपको इसको कंटिन्यू पकाना है देखिए बहुत ही टेस्टी सी सब्जी है इसके अंदर ज़्यादा गर्म मसाले वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसका ऑरिजिनल जो फ्लेवर होता है कटहल का वो लाएँगे इससे बहुत ही टेस्टी लगेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ नॉर्मल मसाले यूज़ कर रही हूँ जब आपके प्याज बिल्कुल रेड हो जाए ब्राउन हो जाए उस टाइम पे जो हमने पेस्ट तैयार किया था लहसन टमाटर हरी मिर्च का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अब ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू आने लगे देखिए ऑयल हमने ये स्टार्टिंग में कम यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने कटहल फ्राई किए थे इसलिए हमने कम यूज़ किया है कटहल में भी ऑयल रहता है तो वो बराबर हो जाता है तो इस टाइम पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दो से तीन मिनट तक इसको कम गैस पे पकने देंगे जब इस तरीके से पक जाए इसमें कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ जाए उस टाइम पे हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे इसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्च डाली है एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है साथ ही आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक डाला है ये सब मिक्स कर देते हैं आप चाहें तो मसाला कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मैंने नॉर्मल सब्जी के हिसाब से इसमें मसाला डाला है वन आधा के जी मेरा इसके अंदर कटहल है तो देखिए अब इस मसाले को थोड़ा पकने दें जब ये अच्छे से पक जाए हल्का हल्का ऊपर आपको तेल दिखने लगे क्योंकि तेल हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो आपको इस टाइम पर नहीं दिखेगा उसके बाद जब ये पक जाए कलर चेंज हो जाए हल्का हल्का ऑयल दिखने लगे उस टाइम पर इसके अंदर कटहल को ऐड कर दें तो ये हमने इसमें कटहल ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी सी और मसालेदार सी सब्जी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको मसाले के साथ एक से दो मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देंगे जिससे कटहल में मसाले का अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसके बाद इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे अभी एक गिलास में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें वो कटहल को थोड़ा सा और पकाना है एट्टी परसेंट तक ही हमने पहले पकाया था तो ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट और पकाना है तो इसको हमने देखिए एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे दो से तीन मिनट बाद मीडियम गैस पर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका होगा और ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी होंगी देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल मटन के टेस्ट के साथ रहता है ये तो अभी गैस को बंद कर दे और इसमें हरा धनिया ऐड कर दें और ये कटहल की स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर तैयार है इस वीडियो को जरूर ट्राई कीजिएगा बाय बाय